जनता को क्या चाहिए, सड़क, पानी, बिजली, स्वास्थ्य और शिक्षा की सुविधा हो। सरकार करोड़ों रुपए खर्च कर योजनाएं चलाती है, लेकिन इसका सही तरीके से पालन नहीं होता। कई योजनाएं शुरू होती हैं, लेकिन बीच में ही अटक जाती हैं। सिर्फ योजनाएं लागू करने से नहीं होगा, उसकी देखरेख भी करनी होती है। शासन द्वारा विभिन्न प्रकार की जनहित योजनाएं संचालित की जा रही हैं, लेकिन उन योजनाओं में से कई ऐसी योजनाएं हैं जो सही देखरेख के अभाव में धूल फांक रही है। सरकार योजनाएं लागू करती है और भ्रष्टाचारी जेब भरने का रास्ता निकाल ही लेते हैं। पेयजल योजना भी भ्रष्टाचार के भंवर में फंस गई है। लोग पानी की समस्या से जूझ रहे हैं। हम बात करते हैं छत्तीसगढ़ के मुंगेली की, जहां लाखों रुपए खर्च कर टंकी बनाई गई, लेकिन कुछ दिन बाद ही वो बेकार हो गई। जिले में ज्यादातर पानी की टंकियां बंद पड़ी हुई हैं। बहुत जर्जर स्थिति में है, दो साल से बना हुआ है, लेकिन अभी अधिकारी कर्मचारी या फिर ठेकेदार इनका कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं और पब्लिक पानी के लिए तरस रहे हैं। टंकी के साहब स्थिति पूरा गुणवत्ता ही घटिया किस्म की बनवा दी सरकार है। पानी पर गरीब मन भटके, गर्मी समय पानी पी मिले नहीं है। टंकी के तो हम पानी से नहीं पिया था ना, टंकी चलत नहीं। टंकी 2006-07 का बना है, एक दो बार चालू हुआ था, उसके बाद बंद हो गया है। पानी की समस्या को लेकर जनता परेशान है, लेकिन अधिकारी कह रहे हैं कि सब कुछ ठीक है। अधिकारियों का तर्क है कि टंकियां खराब है, उसके लिए वैकल्पिक व्यवस्था के तौर पर बोर से पेयजल की पूर्ति की जा रही है। मैं नल जल योजना निर्माण के लिए हमारे यहाँ योजना बनती है, योजना फिर राज्य स्तरीय तकनीकी समिति से टेक्निकल अप्रूवल होता है, प्रशासकीय स्वीकृति और उसका कार्य पूर्ण करके हम ग्राम पंचायत को हैंड ओवर करते हैं। अब सवाल उठता है कि अगर वैकल्पिक व्यवस्था से ही पेयजल की पूर्ति की जा सकती है, तो लाखों की लागत से पानी की टंकी का निर्माण क्यों नहीं। जनता बेहाल है, लेकिन अधिकारी अलग ही राग अलाप रहे हैं। पेयजल योजना के तहत लाखों रुपए खर्च किए गए, उसके बाद भी जनता पानी के लिए तरस रही है। पैसे की बर्बादी हुई और जनता भी प्यासी है। ऐसे में जन प्रतिनिधि क्या कह रहे हैं, आइए आपको सुनाते हैं। यहाँ तो टंकी बने, पानी टंकी, पर अभी तक के वो चालू नहीं हुए हैं। पूर्व सरपंच जो जगदीश प्रसाद कश्यप रही, वो समय से बने, पर अभी तक के हमें कोई लाभ नहीं मिला थे गांव के। मेरे कार्यकाल का नहीं है, लेकिन पूर्व सरपंच का कार्यकाल का है, और करीब 7-8 वर्ष हो गए, आज तक सुविधा नहीं मिल रहा है ग्रामीण को, और पाइप भी फूट फूट गया है, आज तक चालू नहीं हुआ है, इसलिए असुविधा हो रही है गाँव में। विधा विधानसभा क्षेत्र के बिलखुरी ग्राम पंचायत में पानी टंकी बना हुआ है, पाइपलाइन सप्लाई हुआ नहीं है, और सिलधा की भी स्थिति है। मैं लगातार विधानसभा में प्रश्न दागा हूं, लेकिन सरकार की तरफ से कोई उत्तर नहीं आ रहा है। क्या जनता के अरमानों पर ऐसे ही छुरियां चलती रहेंगी? क्या जनता ऐसे ही प्यासी रहेगी? सरकारी योजनाएं खाली होने के बावजूद भी जनता तक सरकारी योजनाओं का लाभ क्यों नहीं पहुँच पा रहा है? कब तक भ्रष्टाचारी योजनाओं के नाम पर यूं ही लूटते रहेंगे? ब्यूरो रिपोर्ट के साथ मुंगेली से प्रदीप माणिकपुरी, APN।